जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि इस दिन अयोध्या में एक इतिहास रचा जाना है जिसका हर कोई हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन पीएम के आगमन और सुरक्षा कारणों के चलते हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह नहीं बन सकता। लेकिन इस बीच राम भक्तों के लिए एक खुशखबरी आई है। बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को 5,00,000 मंदिरों में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे हर राम भक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सकेगा। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी। बताया जा रहा है कि वीएचपी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर 10 करोड़ परिवारों तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण देने की योजना बनाई है। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जब भगवान राम 14 साल बाद वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, तो अब 500 साल बाद राम जन्मभूमि वापस लाने पर कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। आलोक कुमार ने राम भक्तों को सीधे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की, साथ ही इस दिन लोगों से दिए जलाकर फिर से दिवाली मनाने को कहा। राम जी 14 साल के बाद लौटे थे तो हम दिवाली करते हैं, राम 500 साल के बाद लौट रहे हैं तो ये महोत्सव तो उससे भी बड़ा हो जाएगा, और इसलिए हम आपको निमंत्रण देते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए अवश्य पधारिए, और फिर उनको कहेंगे हम आपको 22 तारीख को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते, इसलिए आपके घर के पड़ोस में यह जो मंदिर है, इस मंदिर में इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आइए, और उस दिन के लिए इस मंदिर में इसको अयोध्या मान लीजिए। मेरा अंदाजा है कि विश्व में कम से कम 5,00,000 से ज्यादा मंदिरों में इस दर्शन की व्यवस्था होगी। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार श्रद्धालु लंबे वक्त से कर रहे हैं। हिंदुओं का ये बहुत पुराना सपना है, लेकिन अब धीरे धीरे रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की तिथि नजदीक आती जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। लेकिन अब मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होने से हर राम भक्त इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकेगा। लेकिन अभी तक राम भक्त इस कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर परेशान दिखाई दे रहे थे।